నిరుపేదలకు మేలు చేసేలా ప్రభుత్వం చర్యలు తీసుకుంటుందని అందరి ఆరోగ్యం బాగుండేలా చూడడానికి తగు ఏర్పాట్లు చేస్తున్నట్లు ప్రధాని మోదీ అన్నారు. సమాజంలోని అట్టడుగు స్థాయి వారు ఉచితంగా డయాలసిస్ చేయించుకునేలా పథకంలో రూపొందించినట్లు తెలిపారు. తాము తీసుకొచ్చిన ఈ పథకం కింద పేదలు ఇప్పుడు తక్కువ ధరలకు మందులను కూడా కొనుగోలు చేయవచ్చన్నారు. జన్ ఔషధి దివాస్ సందర్భంగా ప్రధాని మోదీ లబ్ధిదారుడితో మాట్లాడారు. दो ढाई हजार जी सर. अच्छा तो ये पैसे बच गए अब तो उसका कुछ अच्छा उपयोग करते होंगे क्या करते हैं सर? इनकम बहुत कम है तो ना सर पैसा धार कर्ज करे लेके दवाई खरीदे थे और मैं तो पिताजी लेबर है ना और मैं माता जी से मैं तो छोटा मोटा काम करती थी और मेरे दुकान में तो ज्यादा दवाई किनने के पैसा नहीं था लेकिन इतने कम पैसे में दवाई मिलते तो अब बहुत अच्छा लग रहा. पैसा नहीं उनसे धार नहीं करते हम. चलिए सुरेश जी आपको और आपके माता पिता को भगवान जन जगन्नाथ सर बहुत स्वस्थ रखे. सर मेरे माता पिता आपको प्रणाम कर दे अभी सुबह से लिखने जो लिखने हमारी तरफ से प्रणाम कह दीजिएगा सर. गांव वाले आपको शुभ गुजारिश है आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देते. सुरेश जी मैं आपका भी अभिनंदन करता हूँ कि आप दिव्यांग इस तकलीफ के बावजूद भी माँ बाप की भी सेवा कर रहे हैं और विषमताओं से हार नहीं मानते हैं. मैं देख रहा हूँ हंसते जो भी बात कर रहे हंसते हुए कर रहे रोते हुए नहीं कर रहे. ये बड़ी आपकी ताकत है और बड़ी प्रेरक है और मैं सचमुच में बहुत प्रभावित हुआ. आपसे भले दो मिनट बात करने का मौका मिला लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा. चलिए भगवान जगन्नाथ आपको बहुत ताकत दे क्योंकि हम तो